जो वाकई पाकिस्तान वापस आएगी या ओके वाकई कोई एजेंट थी जो पाकिस्तान आई और अपना काम पूरा करके जो है वो अब वापस चली गई है, अब वाकई पाकिस्तान वापस आएगी या वो जो काम करने आई थी वो काम हो चुका है। भारतीय मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई है या कि अंजू जो है वो अभी तक भारत नहीं पहुंची। जो है यहाँ से पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर के जरिए पंजाब पहुंची, जहाँ पंजाब पुलिस ने अंजू से काफी पूछताछ की। और अस्सलाम वालेकुम, मैं राबे अली और आप देख रहे हैं राबे अली व्लॉग्स। सरहद पार से पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में मुबतला होकर भारत से आने वाली लड़की अंजू जो है गुज़श्ता रोज़ वापस भारत चली गई है, लेकिन भारतीय मीडिया के मुताबिक उनका ये कहना है कि अंजू जो है वो दिल्ली जो है वो नहीं पहुंची, जो अंजू का जो आबाई घर है वहां नहीं पहुंची और वो कहीं उसका पता नहीं चल रहा, उसके बच्चे और उसके शोहर से भी पता किया लेकिन अंजू का कहीं भी पता नहीं चल रहा। अंजू जो है वो पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में जो है वो मुबतला होकर पाकिस्तान आ गई थी आज से 5 से 6 माह पहले। अंजू ने यहाँ उस लड़के से जिसका नाम नसरुल्ला है उससे शादी की, निकाह किया और इस्लाम भी कबूल किया। अंजू का इस्लाम कबूल करने के बाद जो है फातिमा नाम रखा गया और अंजू बड़ी खुशी से जो है नसरुल्ला के साथ यहाँ पाकिस्तान में रह रही थी। और पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से अब जो है अंजू को 1 माह का ओसी जो है वो दिया गया है भारत जाने के लिए। अंजू यहाँ जो है वो कह के गई थी कि मैं भारत अपने शोहर से, जो कि अंजू का शोहर अरविंद जो है उससे उसने तलाक लेनी थी, और दूसरा जो उसके बच्चे हैं अंजू के दो जो है बच्चे हैं, एक 16 साल उसकी बेटी है और एक उसका जो है 6 साल का जो है उसका बेटा है, और जो अरविंद उसका शोहर है उससे अभी तक उसने तलाक नहीं ली। अंजू का कहना था कि वो भारत जो है अपने एक तो अपने बच्चों की कफालत के लिए, अपने बच्चों की कस्टडी के लिए जा रही है, दूसरा अपने शोहर अरविंद से तलाक लेने जो जा रही है। लेकिन भारतीय मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई है, यह खबरें जो है गर्दिश कर रही है सामने आई है कि अंजू जो है वो अभी तक भारत नहीं पहुंची। अंजू जो है यहाँ से पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर के जरिए पंजाब पहुंची, जहाँ पंजाब पुलिस ने अंजू से काफी पूछताछ की। और पंजाब पुलिस के अलावा पूछताछ करने के बाद उनकी जो एजेंसीज हैं भारतीय एजेंसीज, उन्होंने भी अंजू से बातचीत की, पूछताछ की। उसके बाद जो है अंजू को दिल्ली जाने का जो है उसे इजाज़त मिल गई। और जब वो दिल्ली गई, दिल्ली में जो है ये भी खबरें सामने आई हैं कि दिल्ली में जो अंजू से सवालात किए गए उनमें ये सवाल भी शामिल था कि क्या पाकिस्तानी जो दिफाई इदारे हैं, जो पाकिस्तान की एजेंसियां हैं उनके बारे में भी अंजू से जो है वो सवाल जवाब किए गए, उससे पूछताछ की गई। लेकिन अंजू ने जो है इसकी तरदीद कर दी और अंजू ने जो अंजू का जो प्रोग्राम था जिसकी वजह से वो भारत गई पाकिस्तान से, वो सारा उन्हें बताया। लेकिन वो पंजाब से जब दिल्ली गई, पंजाब पुलिस ने जब उसे दिल्ली जाने की इजाज़त दी तो वो अभी तक जो है वो दिल्ली नहीं पहुंची। जो अंजू है वो राजस्थान के भेवाड़ी जिले से ताल्लुक़ रखती है, ना वो वहाँ पहुंची है ना वो दिल्ली पहुंची है, लेकिन वो गई कहाँ? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान से अंजू चली गई लेकिन इंडिया ना पहुंच सकी, अपने शहर जो है वो ना पहुंच सकी। इसी हवाले से जो है भारतीय इदारों ने अंजू का जो शोहर अरविंद है उससे भी बातचीत की, उससे भी पूछताछ की। और इसके अलावा जो अंजू की बेटी और बेटा जो उसके बच्चे हैं उनसे भी बातचीत की अंजू के बारे में, लेकिन उसके शोहर का यही कहना था कि मुझे अंजू की जो वापसी है कि वो आ रही है उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, उसने लाआलमी का इजहार किया। और इसके अलावा उसका कहना था कि मैं इस मामले में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता, ना ही मैं इस बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। और बच्चों से पूछताछ की गई, बच्चों ने भी यही जाहिर किया कि उन्हें अंजू की वापसी का इल्म नहीं था। लेकिन अंजू जो है वो जब पाकिस्तान से गई है उसका यही मौक़िफ़ था और वो यही बोल के गई है कि वो यहाँ से भारत इस वजह से जा रही है कि वो अपने शोहर अरविंद से तलाक लेना चाहती है और अपने बच्चों को जो है वो पाकिस्तान में लाना चाहती है, अपने बच्चों की कफालत जो है अपने जिम्मे लेना चाह रही है और अपने बच्चों को इंडिया के बजाय पाकिस्तान में वो
लाना चाह रही है, और ताकि बच्चों की जो परवरिश है और जो बच्चों की आगे जिंदगी है वो पाकिस्तान में गुजरे। और इस सिलसिले में वो पाकिस्तान से भारत की पाकिस्तानी मुकाम की जानिब से जो है उन्हें अंजू के 1 महीने का जो है ओसी दिया गया। और इसके अलावा भारतीय जो हुकाम हैं उनकी जानिब से अंजू जहाँ पर रहती है अंजू के घर के बाहर सख्त सिक्योरिटी जो है वो तैनात कर दी गई है। पुलिस की जो भारी नफरी है वो भी अंजू के घर के बाहर तैनात कर दी गई है, और जो भी अजनबी और जो भी लोग आ जा रहे हैं या जो उसके घर में जिनका आना जाना है उनसे काफ़ी पूछताछ की जा रही है, और काफ़ी पाबंदी और काफ़ी स्ट्रिक्टनेस जो है वहाँ पर कर दी गई है। क्योंकि अंजू यहाँ से गई लेकिन वहाँ नहीं पहुँची, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो गई कहाँ पे, उसे आसमान खा गया, ज़मीन निकल गई, क्या हुआ। या ये भी रवायती जिस तरह एक रवायत चलती आ रही है कि भारत हमेशा से पाकिस्तान का जो है पाकिस्तान को हमेशा से डाउन करता आ रहा है, और पाकिस्तान की हमेशा नेगेटिविटी उसकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के बारे में हमेशा नेगेटिविटी जो है उसे क्रिएट करता है और उसकी जो कमजोरियां हैं उसे पकड़ने की कोशिश करता है भारत। तो हो सकता है ये भारत की जानिब से जो है एक साजिश हो, भारत की जानिब से एक प्रोपगंडा हो। इसमें कितनी हकीकत है ये जो है ये वक्त ही बताएगा कि अंजू कहाँ गई, लेकिन अंजू यहाँ अपने शोहर जो नसरुल्ला है, जो पाकिस्तानी उसका शोहर है, उससे बता कर गई थी कि वो अपने बच्चों की कस्टडी और अपने शोहर अरविंद से जो है तलाक लेने जा रही है। अंजू के बारे में मैं बताती चलूँ कि अंजू जो है वो पहले से शादीशुदा है, भारतीय, वो शहरी है, और भारत से वो पाकिस्तान आई एक लड़की की मोहब्बत में, एक पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में वो मुब्तला होगी, गिरफ्तार होगी मोहब्बत में, और वो अपना सब कुछ छोड़कर जो है वो पाकिस्तान आ गई। और अंजू का जो शोहर है भारतीय अरविंद, अरविंद का कहना था, अरविंद जो है उसे नहीं मालूम था कि अंजू इस तरह उसे छोड़कर पाकिस्तान आ गई है। अरविंद का कहना था कि उसे सोशल मीडिया की तरफ से और फेसबुक वगैरह की तरफ से जो है उसे पता चला कि अंजू पाकिस्तान पहुंच चुकी है उसे छोड़कर। तो सोशल मीडिया, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए अंजू की जो है वो चैट हुई पाकिस्तानी लड़के नसरुल्ला से, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला है, उससे फिर चैट हुई, मोहब्बत हुई, और वो उसकी मोहब्बत की खातिर अपना सब कुछ छोड़ कर जो है पाकिस्तान आ गई। और पाकिस्तान जब आई है तो ये खबर काफ़ी सोशल मीडिया पर और हर टीवी चैनल्स पर, हर न्यूज़पेपर पर ये खबर काफ़ी जो है वायरल हुई थी। और अभी भारतीय मीडिया की जानिब से ये खबर बहुत वायरल है कि अंजू आई लेकिन अंजू जो है भारत ना पहुँच सकी। ये इसके पीछे क्या हकीकत है ये वक्त ही बताएगा। तो अंजू जो है उसने पाकिस्तानी लड़के से शादी की, यहाँ पर निकाह किया, निकाह करने के बाद से पहले जो है उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया, और जो उसका अंजू का इस्लामी नाम है वो फातिमा है। तो ये हकीकत जो है अंजू ही बता सकती है कि आया वो पाकिस्तान वापस अब आएगी या नहीं आएगी, या ये भी एक इंडिया का प्रोपगेंडा है क्या, वो कोई वाकई कोई एजेंट थी जो पाकिस्तान आई और अपना काम पूरा करके जो है वो अब वापस चली गई है। अब सवालिया निशान यह है कि क्या अंजू वाकई पाकिस्तान वापस आएगी, या वो जो काम करने आई थी वो काम हो चुका है। ये हमारी एजेंसीज और हमारे इदारे और जो भारतीय इदारे हैं वो बेहतर जानते हैं कि अंजू जो है वाकई में है कौन और क्या करने आई थी, और अब भारत में क्या करने गई है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।